चालू कर दिया करो रेडी 1 2 3 सारे बोलो जय शनि देव। जय शनि देव। आज कौन सा दिवस है? शनिवार। शनिवार का दिवस। शनि महाराज कौन सा आपके कंधों पे बैठ रहे हैं भाई? ना पे बैठ सकते हैं? ये तो काला भाटा है, इसमें तो खानका में तेल चढ़ाते हो, तेल और खराब करते हो है? नहीं ऐसे। और भाई तुम भूत प्रेत तो होते नहीं, मनु भैया तो प्रेत निकालते हैं। तुमने बाबा रामदेव को नहीं सुना? प्रेत होते नहीं है, बाबा रामदेव कह रहे हैं प्रेत होते नहीं है। भाई जाके तन्ना फटी पे भाई सो क्या जाने फिर पढ़ाई। एक तो बाबा रामदेव को हमें एक संदेश देते हैं, सूर्य की जैसे किरणें आती है, क्या आती है? वो जमीन का पृथ्वीवासियों का पोषण करती है। जैसे चंद्रमा की शीतलता आती है वो भी पोषण करती है। इन सबसे तरंगे और नाद भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तरंगे और नाद। अब बाबा रामदेव वेदव्यास जी से तो बड़े है नहीं है, बोलिए भाई। या तो बाबा रामदेव बड़े या वेदव्यास जी बड़े या सुखदेव महाराज बड़े। जो सुखदेव महाराज कथा सुना के प्रेत का उद्धार करते हैं तो बाबा रामदेव कहते हैं प्रेत प्रेत कछु होते नहीं है। भाई नहीं होते बाबा रामदेव, आप ये सिद्ध कर दो वरना हम आपको लिपटा के दिखा देंगे प्रेत। ये मनु भैया जी का वादा है, जो संसार में गए प्रेत नहीं होते हैं। वो 3 साल का समय दे, 3 साल में अपने आप को देख ले कहां स्तर गिर गया और कैसा हो गया। कंगाल हो जाएगा 3 साल में। ऐसे नहीं कंगाल हो जाएगा, धन से कंगाल हो जाएगा, शरीर से ही कंगाल हो जाएगा। अरे भाई प्रेत नहीं होते हैं, तुम कहां सिद्ध करने पे लगे हुए हो? जब प्रेत होते हैं तो दुनिया मान लेगी प्रेत नहीं होते हैं। बताइए तुम सारे किस लिए आए हो, बोलो जरा। प्रेत निकलवाने के लिए आए हो। अब ना तो प्रेत प्राणायाम से जाए, सुन लो मेरी बात। इसलिए ऐसे ऐसे बाबा क्या करते हैं कि प्रेत होते नहीं है ये कह देते हैं। ना तो प्रेत चौरसिया को भी कह रहा हूं मैं, दीपक चौरसिया को, ठीक है ना। और सुन लो ये बात, कितने ही बड़े दरबार वाले हो प्रेत होते हैं ये तो वो भी सिद्ध नहीं कर रहे, बेशक निकाल रहे हैं। मनु भैया सिद्ध कर रहे हैं पूरे संसार में प्रेत होते हैं, क्योंकि प्रेत से अगर होते हैं ये बात पता चल गई तो बाबा रामदेव का आधा आश्रम खाली हो जाएगा, जो लोग अपना इलाज कराने जा रहे हैं। मनु भैया की गारंटी है, लिख के देते हैं मनु भैया। आगे ना समझ में। आपने उस बहन रानी को भी देखा है जिसने इतने साल हो गए इलाज कराते कराते 25 लाख रुपए अपने गठिया वाई पर लगा दिए। आती है ना वो यहाँ चल के, पहले चल नहीं पाती थी। फिर आपने उसके अलावा गठिया वाई के बहुत सारे मरीज देखे हैं जो ठीक होके चले गए हैं यहाँ से, और जिनके शरीरों में इतना आराम पड़ गया जबकि डॉक्टर पूरी जिंदगी वो करता है ठीक। और मैंने तो कह दिया अगर किसी को संशय और बाबा रामदेव जैसे को संशय है कि भाई प्रेत होते हैं नहीं होते हैं, इतने अवसरवादी कहाँ हैं? वैसे तो एक तरफ बागेश्वर वाले का साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं प्रेत नहीं होते। कभी से कहते आ रहे प्रेत होते नहीं, शनि महाराज ऐसे चढ़ जाते हैं तो ये हो जाता है वो हो जाता है फलाना हो जाता है। अरे भाई वेद व्यास जी की गणनाएं भी फैल करने वाले, आप कौन से महापुरुष हो गए, कौन से ऋषि आ गए, कहां से आ गए, आपने लाल कपड़े पहन गए, आपने कौन से महात्मा बन गए, आप मुझे समझ में नहीं आता। कौन सा आपका काल है, कौन सा आपका ग्रुप है? यहाँ भी सबने ग्रुप बना दिए। भगवान के भक्तों के कोई ग्रुप होते हैं क्या? भगवान के भक्तों की कोई संस्थाएं होती है क्या? फिर भगवान का भक्त हमेशा अकेला चलता है, भगवान के लिए चलता है, ईश्वर की ऊर्जा से चलता है। ये सारे ग्रह हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यूं तो राहु जब आता है इतनी सूक्ष्म तरंगे आती हैं उसकी कि मस्तिष्क से टकराती हैं सीधी। किससे? वो आदमी अच्छा बुद्धिमान होते हुए भी अपना खराब खुद ही कर लेता है, उसके मन में उसी तरह के विचार आते हैं। मनु भैया ये बात सिद्ध कर देंगे सदा के लिए, देख के बता दूंगा इसमें इस ग्रह की दशा चल रही है। करने की बात नहीं है, करके तो मैं दिखा ही रहा हूँ। और किसी को देखने है, प्रेत देखने है, प्रेत आ जाए भाई पूरे संसार में कोई नहीं आएगा तुम्हारे मनु भैया से, सब थर थर कांपते हैं। किसी के दिल में जिक्र नहीं है, किसी के हृदय में इतनी पवित्रता नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। डॉक्टर भगवान के अपराधी है ठीक है, हम डॉक्टर को भगवान मान रहे हैं, डॉक्टर तो खुद ही भगवान का अपराधी है। फिर भगवान कैसे है एक बात बताइए, भगवान का अपराधी कैसे है ये भी सुन लीजिए मुझसे। आदमी को आधी जिंदगी नींद में सुला देता है, आगे ना वो जितना सोता है उतना तो सोता ही है, नींद में सुला देता है। उसको लेना होता है भगवान का नाम, भगवान का अपराधी हो जाता है डॉक्टर। तो क्या कमाया? अपराध कमा रहा है और पैसा कमा रहा है, दो चीज डॉक्टर कमा रहा है। भगवान कहीं नहीं है, कहीं भी देखने में नहीं आता। तुम इस दरबार में देख लो इतना आदमी किसका ठीक होता है, डिप्रेशन का, माइग्रेन का और सर्वाइकल का, इसका मतलब प्रेत से तीनों बीमारी है। और कितने लोगों के फ्री में ऑपरेशन हो जाते हैं बताइए, कोई डॉक्टर बोलता क्यों नहीं है? आपको पता नहीं है क्योंकि इनमें मर है, इनके अंदर पानी भरता है, गड्ढा है, पीक है, कच्चा घड़ा है,
उनको पता है हमारे घड़े पके हुए नहीं है, जो बीमारियां है वे फ्री की है। कितने आयुर्वेद वाले बोलते हैं फ्री की बीमारी है, लेकिन आयुर्वेद वाले करते क्या है? कुछ ही लोग स्तर पे काम कर पाते हैं। आपके मनु भैया तो बहुत ऊंचे स्तर पे काम कर रहे हैं। अपनी चीज को करके दिखा देना बहुत बड़ी बात है। आए ना समझ में, तुम्हारे दर्द को एक हाथ में बांधू, एक मुट्ठी मुट्ठी में बांधू सारे प्रेत के दर्द को, बाकी सारा शरीर बीमारी से अलग हो जाएगा, लेकिन वो हाथ निकल जाएगा। ये बता रहा हूँ, दबाव पूरा पड़ता है इसका। आए ना समझ में। तो इसलिए एक समय होता है, मुहूर्त होता है, जब इन पे खुद पे चढ़ जाएंगे तब पता चलेगा काला भाटा क्या करता है और क्या नहीं करता है। और काले भाटे ने तो कमाल करके दिखा दिया। आपके भाग्य में पिछले जन्मों का पुण्य है, आप वो भोग रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में और प्राणायाम करने वाले, योग करने वाले मारे गए हैं। आपसे पहले भी प्राणायाम करने वाले थे, आपसे पहले भी योगाचार्य थे, आपसे पहले भी पतंजलि योग का सहारा लेकर काम करने वाले थे। नहीं समझे आप भाई? आपको भगवान ने नाम दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं आप सबको मानना बंद कर दे, और वो उसको भी मानना बंद कर दे जो महर्षि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, उसको भी मानना बंद कर दे जो 12 पुराणों में पिशाचों की और प्रेतोन्माद की बात लिखी हुई है, चरक संहिता को भी मानना बंद कर दे। फिर आप आयुर्वेद का काहे ढिंडोरा पीट रहे हैं? आयुर्वेद में तो 9वें अध्याय में चरक संहिता के दूसरे पार्ट में जो BMS वालों को पढ़ाई जाती है उसमें प्रेतोन्माद पिशाचोन्माद लिखा हुआ है। और जब प्रेत पिशाच होते नहीं है तो फिर आप क्या आयुर्वेद का काम कर रहे हैं भाई? फिर आपको किसने अधिकार दिया, मौलिक अधिकार, कि आप आयुर्वेद का काम करें? हैं, कमाल है भाई ये बाबा तो। ये लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में भी भूतों प्रेतों के बारे में लिखा हुआ। और किसने कहाँ कहाँ पढ़ा है? दुर्गा सप्तशती में, गरुड़ पुराण में, और हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत में, हनुमान चालीसा में, और शिव पुराण में, और बजरंग बाण में, और अभूत डामर तंत्र में, और भगवान के तंत्रोक्त सभी ग्रंथों में प्रेतोन्माद लिखा हुआ है। प्रेत से क्या कहते हैं वो लिखा हुआ है हरिवंश पुराण में। और बोलिए, बोलो। अरे तकरीबन सारे पुराणों में लिखा हुआ है, 12 पुराणों में लिखा हुआ है, आगे ना श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है, यहां सब है मेरे पास। ठीक है, और बोलिए। इतने पुराणों में तो लिखा हुआ है, कहा कि प्रेत नहीं होते। अरे बाबा जी आ जाओ, प्रेत दिखा देता हूं। लेकिन तुम शर्मिंदा मत होना, फिर गढ़ मत जाना, ठीक है? क्योंकि इनको किसी को शर्म नहीं आएगी, मैं ऐसे ऐसे इलाज कर दूंगा इनके सामने, ठीक है? फिर भी अगर इनको शर्म आए तो धरती फट जाए। ऐसा कलयुग आ गया है, क्या कहते हैं कि लोगों को केवल अपनी पड़ी है। मैं जो सिद्ध कर सकता हूं वो तो ठीक, जो दूसरा सिद्ध करे वो खराब। क्योंकि जो दूसरे ने सिद्ध कर दिया ना, तो ये आधा आयुर्वेद बंद हो जाएगा, आधा एलोपैथी तो सारा ही बंद हो जाएगा। तकरीबन तकरीबन वे ही लोग रह जाएंगे जिनको चोट लगती है। क्या लगती है? चोट लगती है, और उसका भी कभी ना कभी तोड़ आ ही जाएगा, कोई ना कोई तोड़ आ ही जाएगा। और आयुर्वेद में तो उसका तोड़ पहले से लिखा हुआ है, पहले भी तो उपचार होता होगा ना। इसका मतलब एलोपैथी तो अपने जबरदस्ती अपनाई है। एलोपैथी तो किस लिए अपनाई गई है? कि भारत का पैसा विदेश में ले जाया जा सके। इसका मतलब दुनिया कमाए, हम एलोपैथी के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से इस दुनिया के पैसे को इकट्ठा कर लें और सब पे वर्चस्व पाए और सब पे राज करें, और इनके तो हम वो बदल दें। क्या बदल दें? इतना खर्चा मत किया। खैर, हमने किसको सिद्ध करना है? हमने तो अपने आप को सिद्ध करना है, और वो हम कर ही देंगे एक ना एक दिन। लेकिन इन लोगों ने हर तरह से अपराध कमाने शुरू कर दिए। ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई तुम कौन गन्ना करने वाले, ये बता दो मुझे। वेद व्यास जी झूठे थे क्या? तुम लिख के दे दो वेद व्यास जी झूठे हैं, पुराणों में झूठी कथाएं, तो मार दो। मैं तो आज भी सिद्ध कर दूंगा वो कथाएं सारी सच्ची है, सारा हिसाब किताब बता दूंगा भाई। नहीं आया समझ में? कोई आदमी विवाह क्यों नहीं करता है? वो लिखा हुआ है। किसी आदमी का विवाह भंग हो जाता है? वो लिखा हुआ है। और होता ही होता है जिनका लिखा हुआ है। कल मैं एक जन्मपत्री देख रहा, मैंने बताया नहीं तुम्हारा विवाह भंग हो गया, और 2 बार विवाह भंग हो गया। नहीं हुआ कि नहीं? फिर जिनके धनी योग रहते हैं उनके योग में कदापि धन नहीं होता, और इसलिए वो वैसे ही घरों में जन्म लेते हैं। ये योग बनते हैं भाई। किसी को जन्मपत्री देखनी आती है, किसी को नहीं आती है, सबको थोड़ा ही ना आती है। ये विद्या आती है सबको। फिर एक शनि से लोग आपके पूरे जीवन को बता देते हैं, आपका शनि ऐसा है तो आपका पूरा जीवन काल ऐसा बीतेगा। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में, बाबा जी के भी जीवन में उतार चढ़ाव है। दिल्ली में देखने को मिला था, लोगों को मिला था कि नहीं मिला था? मैं नहीं कहता, मैं ये बात नहीं कहता, उतार चढ़ाव तो मिला था ना। फिर आया समझ में? फिर भाई आपको नाम मिल गया, शोहरत मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को दबा लें, किसी सब्जेक्ट को गौण कर दें, आप अपने को मुख्य कर लें, इसका मतलब ये नहीं है।
तो दूसरे की महत्ता ही ना समझे। जो प्रेत प्रेत से दुखी है उनके घर वाले थोड़े ना दुखी हैं। अगर अपनी शादी होती है अपनी बेटी को लग जाता तब बताता कौन कितने मनु भैया के चक्कर काटे जाते हैं, आए ना समझ में, तब बताते कितनी योग की मशीनें चल रही हैं, तुम्हारी सारी मशीनें फेल हो जाती उसी टाइम। बोलो हो जाती कि नहीं? उनके बोला करो जब तक मैं हूं बैठा हूं, मौज लिया करो तुम, तुमने डरना नहीं है किसी से, तुम शनि की शरण में हो, अपने आप देख लेगा। आगे ना ऐसा चढ़ता है कुछ हद नहीं। मेरे यहाँ आके बहुत सारे लोगों ने दुष्प्रचार किया था मनु भैया के बारे में, कहाँ कहाँ गए, कोई भी राजनीति में नहीं आज, और वोट लेने के लिए किया था सारा किस्सा। किसके लिए किया था? किसके लिए किया था? अरे एक को भी ना मिली, सारों की राजनीति फैल होगी, सारों की, सबको ठिकाने लगा दिया, सबकी राजनीति खत्म कर दी। आए समझ में? कैसे कर दी वो भी दिखा दूंगा, बता दूंगा, मेरे पास एक एक का उदाहरण है। सबको ठिकाने लगा दिया, कहाँ लगा दिया? और जो राजनीति में ऊंचा वर्चस्व और रसूख रखते थे उनको तो विदा कर दिया, खत्म कर देते हैं ये सबका कैरियर। अरे इसके हाथ में भाई किसको क्या देना है। कोई कहता है शनि नहीं चढ़ता, शनि तो ऐसा चढ़ता है कि उतारे ना उतरे, शनि तो ऐसा चढ़ता है, वो बात तो राजा नल बताएंगे, वो बात तो विक्रमादित्य बताएंगे, वो बात तो हरिश्चंद्र बताएगा। ठीक है, जो राजा होते हुए जिसकी नारी बिक गई और जिसका बेटा बिक गया, वो बात तो वो जानता है जिसपे शनि चढ़ता है, जिसपे नहीं चढ़ता वो तो निरी बकवाद करता है। चढ़ने का मतलब ये नहीं है उसके कंधों पे आके बैठ जाता है, चढ़ने का मतलब ये है उसकी तरंगे उसके दिमाग पे आके बैठ जाती है, सारा काम ही गलत कराती है। ठीक है, और संसार में ऊर्जा ही है, ऊर्जा के माध्यम से ही आप योग करते हैं, उसी ओम नाद को उसी ओम ध्वनि को सुनते हैं। आपने कुछ अलग नहीं कर दिया है। आपसे पहले भारत के कितने सनातन महात्मा आए हैं, कितने सनातन योद्धा आए हैं, वो ये सब करके चले गए हैं। ठीक है, एक अकेले आप नहीं हो, आत्मदर्शन किया हमने, देव दर्शन भी किया आत्मदर्शन भी किया है, दोनों हाथ उठा के कहते हैं और उसकी सिद्धि भी है। खैर आज ये विषय नहीं है हमारा, लेकिन ऐसे ऐसों को तो हम चमका के ही रहेंगे जो कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। मुझे पता है निकलता है नहीं, होंगे कहां से। ठीक है, जब निकालोगे सामने बैठ के तो पता चलेगा कितना कमाया है इस जमीन पर आकर। ठीक है, आसन प्राणायाम तो गली गली के बच्चे कूचे भी करते हैं। ठीक है, तो बाबा जी भूत प्रेत होते हैं, हमने हमारी वीडियो में सिद्ध करके दिखा रखा है। और आपको भी लगता है भूत प्रेत नहीं होते तो आपके पास तो सारी चीजें हैं, सारे साइंटिस्ट हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? है, ले आओ हम दिखा देंगे सिद्ध करके। अपनी माँ से पैदा नहीं, अपने बाप से पैदा नहीं जो सिद्ध करके ना दिखाएं, और शनिदेव के भक्त ना कहलाएं, और शनिदेव के भक्त भी ना कहलाएं कदापि, और भक्ति करनी छोड़ दें और दुनिया को ये कहें भूत प्रेत नहीं होते हैं। आए ना समझ में? जिस चीज से पाला नहीं पड़ा ना, ये नहीं है उसका अस्तित्व खत्म नहीं है, अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे मैंने कोई देश नहीं देखा तो इसका मतलब नहीं है वो देश का अस्तित्व खत्म हो गया। आप पहले मनु भैया से नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है मनु भैया मारे गए, और कोई आपसे नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अस्तित्व खत्म हो गया। भगवान ने सबके अस्तित्व की गणना की हुई है, सबकी रचना की हुई है, सब अपना अपना काम करके जाएंगे। आपने भी अपना काम कर दिया, मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन दूसरों को नकारो मत। और वो लोग जो इस विषय में इतनी गंभीरता से काम कर रहे हैं, इतने जुझारूपन से काम कर रहे हैं, आप अवसरवादी है ये मैं जानता हूं, इसलिए आपने जो है बागेश्वर वाले का तो साथ दे दिया, लेकिन प्रेत सिद्ध है तब किसी दबाव में दिया होगा, उसमें दिया होगा प्रेशर में, लेकिन प्रेत है इस बात को तो आपने भी सिद्ध नहीं किया ना उन्होंने सिद्ध किया। प्रेत है इस बात को केवल मनु भैया सिद्ध कर सकते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण करके दिखा सकते हैं। और कोई कहे डाल दो तो मेरे को मौका दो, क्योंकि प्रेत को रमने में 3 साल लगते हैं, आपका कुछ बिगाड़ने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। 4 साल की गारंटी मैं लेता हूं, मैं चढ़ा दूंगा जो कहेगा उस पे चढ़ा दूंगा। ठीक है, और 4 साल बाद उसकी हालत देख लेना कितनी पतली हो जाएगी, उसका घर देख लेना कैसा हो जाएगा, केवल भटकते भटकते बाहर आ जाएगा। ठीक है, दवाइयां ही दवाइयां खाएगा और कुछ नहीं करेगा। बोलो जय शनिदेव, सच्चे दरबार जय शनिदेव। किराया भी